हेलो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि हर एक चैप्टर के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उसमें उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते तो क्योंकि अगर हम किसी भी चैप्टर की बात करते हैं टेंथ मैथमेटिक्स में तो हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ दूसरे तरह के होते हैं सेकेंड दूसरे तरह से थर्ड तीसरे तरह से so हम यहाँ एक एक एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कुछ एक पॉइंट्स के बेस पर उन पॉइंट्स तो को क्लियर उस एक्सरसाइज का क्लियर चैप्टर वाइज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज वन से रिलेटेड उन पॉइंट्स को जिसके बेस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फोर पॉइंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में

बेस ए बी परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेन्यूस ए सी क्या है लॉजिक किस स्पेस पर बताया गया किस एंगल को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उससे लेकर 90 डिग्री वाली जो लाइन है वही बेस कही जाती है आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दें से जिस एंगल को हमें यूज करना है 90 डिग्री को मिलाते हुए वह जो लाइन बनेगी उसी को बेस कहा जाता है और बेस के ठीक फ्रंट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं नाइन्टी डिग्री के साथ जो लगता है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड तो आप जानते ही होंगे कि बेस के ठीक फ्रंट पर और हाइपोटेनोस सबसे बड़ी जो साइट होती है वह हाइपोटेनोस की कही जाती है एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं मान लो हमने एक ट्रायंगल दूसरा लिया है एबीसी और इसमें बी एंगल 90 डिग्री का तो है लेकिन हम एंगल सी की बात अब कर रहे हैं एंगल सी तो एंगल सी के लिए ध्यान देना हमने एंगल सी का को कोई नाम नहीं दिया केवल सी को सी ही कह रहे हैं उस केस में बेस परपेंडिकुलर और हाईकोर्ट क्या होगा बेस अब जो सी एंगल की बात की जा रही है उससे 90 डिग्री वाली जो लाइन है तो बेस हुआ बी सी परपेंडिकुलर ये हुआ ए बी और हाइपोटेन्यूस ये हुआ एसी तो पहला पॉइंट तो ये हमें अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस एंगल के लिए कौन क्या है दूसरे पॉइंट पर चलते हैं दूसरे पॉइंट में अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया जाता है मान लो यहां दिया जाता है ए बी को हमने राइट एंगल मान लिया सी तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो आप अच्छी तरह से जानते होंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसे अगर हम एबीसी के फॉर्म में लिखें तो यहां हम लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर

सिग्नोमेट्रिक वर्ड जो यूज किए जाते हैं वो हैं sign, course, ten, course, course. Without angles, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती पहली बात तो ये दूसरी बात ये कि इन वर्ड्स का ऑर्डर यही हमेशा रहेगा ये कभी चेंज नहीं होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉक ऑर्डर यही रहता है अगर हम एंगल थीटा की बात करते हैं तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक थीटा थीटा ये लिखे जाएंगे अगर एंगल थीटा की बात करें और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनके साथ जो भी लिखा जाएगा वो एंगल ही कहा जाता है इनके साथ जो भी लिखा जाएगा वो एंगल ही कहा जाता है इसमें एक तो ये अगर कहीं भी मैं साइन स्क्वायर थीटा कहता हूं तो इसकी मीनिंग होती है साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का

थीटा थीटा और थीटा एक दूसरे के है। एक निकालते हैं तो है, तो है। और अगर थीटा वन बाई टू है, तो क्वॉट थीटा क्या होगा टू इसका उल्टा आएगा इसकी मीनिंग यह है साइन कॉस टेन की वैल्यू अगर आपको पता हो तो रिमेनिंग तीन की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हैं फोर्थ पॉइंट साइन क्वास टेन का फार्मूला सीख लें टेन क्वाटसेट साइन क्वास टेन का फार्मूला सीख लें क्वाटसेट कॉसेट का फार्मूला इजिली आप बना सकते हैं करके और इसका फार्मूला है एक वर्ड लर्न रखें क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले क्या है सुनते हैं मिलाते हैं इसको मैचिंग है पंडित हर एक का एक एक अल्फाबेट स्टार्टिंग वाला ले लें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले अब लिखें कैसे इसको पहला इस फॉर्म में लिख दें दूसरा इस फॉर्म में लिखें और तीसरा इस फॉर्म में लिखें और इन तीनों को यहां एरो देकर इंडिकेट कर लें तो जो पहला फार्मूला बना वो किसके लिए बन गया एंगल कोई भी हो दूसरा कोई भी हो तीसरा टेन एंगल कोई भी हो साइन cos टेन का फार्मूला है पी पी बी बेस और एच और साइन cos टेन का अगर फार्मूला आ चुका है हमारे पास तो पार्ट सेक का, का फार्मूला इजलि बना सकते हैं और इसे अब आप जब राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करेंगे तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली थीटा, साइन थीटा, 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 थीटा यही है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं फोर पॉइंट्स के बेस पर आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजिली कैलकुलेट कर